अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम शेख वालेकुम। साहब, मैं वसीम फ्रॉम दिल्ली। शेख साहब, ये प्राइवेट कंपनीज में जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस होता है कंपनी की तरफ से, क्या उससे क्लेम लेना जायज़ है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो उससे क्लेम ले सकते कि नहीं, यानी तबीयत खराब हुई इलाज करा सकते कि नहीं। देखिए, अगर उसका प्रीमियम आपको जमा करना पड़ता है, कंपनी आपकी सैलरी से कट करती है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपके सैलरी से कट होकर जमा होता है, तो उतना तो आप ले सकते हैं, उतना तो क्लेम कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप 10 साल से आपका कट रहा है, 10 साल से आप जॉब कर रहे हैं, हर साल आपका 10-15 हज़ार कट रहा है, 5 हज़ार, कुछ भी जितना भी कट रहा हो, तो आप देखें 10 साल तक कितना कट चुका है, तो उतना तो ले सकते हैं। उसके अलावा आप नहीं ले सकते क्योंकि ये जुआ है और आप इसमें शरीक भी नहीं हैं बराह रास्त, आपकी कंपनी ने ऐसा किया है, तो बहरहाल इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, चूंकि जबरन आपकी सैलरी से उतना कट होता है तो उतना आप ले सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है और आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई रास्ता नहीं है, तो बहरहाल आप क्लेम कर सकते हैं। जान बचाने की जब बात आएगी तो वहाँ पर ये गुंजाइश हो सकती है। आपके सामने कोई रास्ता नहीं, ना कोई मदद कर रहा है, ना आपके पास प्रॉपर्टी है, ना जायदाद है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो अगर आपका इंश्योरेंस है, आपका और आपकी फैमिली का भी उसमें है, तो अगर उसके ज़रिए जान बचाई जा सकती है तो आप पूरा क्लेम कर सकते हैं। जितना ज़रूरत पड़ रही है, जितना इलाज के लिए ज़रूरत पड़ रही है, पूरा आप क्लेम कर सकते हैं, अगर जान जाने का मसला है तो। वरना नॉर्मल हालात में आप उतना ले सकते हैं जितना आपकी तरफ से जमा किया गया है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा।